प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंधक उससे दुर्गंध बहुत आती। अच्छा तुमको सिखा दिया है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, इसने तो हदी कर दी। और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। देख रहे हो गाइस, जो गौ माता है उसका, उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। नवे तो गाइस अब बताओ, चारों पंडितों ने भाई अलग अलग सवाल करे लहसुन और प्याज को लेके। अब भाई किसका रियल है किसका झूठ है बताओ यार। पहले बात तो ये चारों झूठ बोल रहे हैं, वो तो आपको पता है, मेरे को पता है। अब गाइस ये बताओ, जैसे जैसे ये बता रहे हैं क्या ऐसे प्याज की पैदावार हो जाएगी? भाई एक नंबर के फ्रॉड आदमी है, पैसे के चक्कर में इतनी हद तक गिर चुके हैं कि लोग बाहू को अपनी कौम के आदमियों को भटका रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचो, मेरी यही राय रहेगी हमेशा। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और ऐसे बाबा पाखंडी बाबाओं से बचो। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मजे लो।